हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं कुछ बेसिक एमसीक्यू जो हर नर्सिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंसस इज द कंडक्टेड इन हाउ मेनी ईयर्स इन इंडिया, यानी कि जनगणना कितने सालों में एक बार होती है भारत के अंदर। तो हमारे ऑप्शन है ए 10 ईयर्स, बी 20 ईयर्स, सी 5 ईयर्स एंड डी 6 ईयर्स। तो इसका आंसर होगा ए 10 ईयर्स। हर 10 सालों में जनगणना हमारे भारत देश में एक बार होती है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, WHO एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुई थी। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ए 1952 यानी कि 1952 में, बी 1947, सी 1948 और डी 1978। तो इसका आंसर है सी 1948 में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है ए 7 अप्रैल, बी 23 मार्च, सी 12 मई और D 1 जून। तो इसका आंसर है ए 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर, लिमिट फॉर बर्थ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र कितने दिनों के अंदर अंदर बन जाना चाहिए भारत के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 24 डेज यानी कि 24 दिन के अंदर, बी है 21 डेज 21 दिन के अंदर, सी ऑप्शन है 28 डेज यानी कि 28 दिन के अंदर और डी ऑप्शन है 45 डेज यानी कि 45 दिन के अंदर। तो इसका राइट आंसर है 21 डेज, 21 दिनों के अंदर अंदर हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5, हेड क्वार्टर ऑफ WHO इज सिचुएटेड, WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, बी रोम इटली में, सी दिल्ली इंडिया और डी न्यूयॉर्क अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नर्स डे कब मनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 12 अप्रैल, सेकंड ऑप्शन है 21 सितंबर, सी ऑप्शन है हमारा 12 मई और डी है 7 मई। तो इसका राइट आंसर है 12 मई को हमें हम नर्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु नोन एज लेडी विथ लैम्प, लेडी विथ लैम्प किसको कहा जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बी है मदर टेरेसा, सी है ओपेरा विनफ्रे और डी है हिलेरी क्लिंटन। तो इसका राइट आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही भारत मतलब देश की पहली नर्स थी और इनको ही हम लेडी विथ लैम्प भी कहते हैं, ये नर्सिंग की जनक भी मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है BMI फॉर नॉर्मल वेट, BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स से हम देख सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कितना फैट है, इसको मेजर करने के लिए हम BMI यूज करते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है 25 to 29.9, ठीक है, सेकंड है 18.5 to 24.9, थर्ड ऑप्शन है लेस देन 18.5 एंड डी ऑप्शन डी है मोर देन 30। तो इसका राइट आंसर होगा 18.5 to 24.9, ये होता है नॉर्मल वेट। 25 से लेकर 29.9 तक होता है हमारा ओवरवेट, लेस देन 18.5 होता हमारा लो वेट और मोर देन 30 होता हमारा ओबेस की कंडीशन यानी कि ओबेसिटी की कंडीशन। तो इसका राइट आंसर है 18.5 to 24.9। हमारा क्वेश्चन है डॉट्स इज यूज्ड फॉर, यानी कि डॉट्स जो है एक थेरेपी होती है वो किस काम में आती है। डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स या डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ये किस बीमारी के लिए यूज करते हैं ये देखते हैं हम। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा लेप्रोसी, बी है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, सी है अस्थमा और डी है मलेरिया। तो इसका आंसर होगा टीबी। टीबी के लिए हम डॉट्स थेरेपी का यूज करते हैं, ये 6 महीने चलने वाली एक थेरेपी है जिससे टीबी को खत्म किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है JSY स्टैंड फॉर, JSY ये किसके लिए कहा गया है यहाँ पे। तो हमारा पहला ऑप्शन है जन स्वास्थ्य योजना, सेकंड है जननी सुरक्षा योजना, थर्ड है जगत सुरक्षा योजना एंड फोर्थ है जन लोक स्वास्थ्य योजना। तो इसका राइट आंसर है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना को ही हम JSY योजना के नाम से भी जानते थे। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 बेसिक MCQ क्वेश्चन जो हर एग्जाम में, नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।